कई सारे अलग अलग एप्लीकेशंस को डाउनलोड इंस्टॉल करके उन्हें यूज़ करने के बाद ही आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है, किससे आपको एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ रिकॉर्डिंग वीडियो देखने को मिल रही है, किसके फीचर्स आपको समझ में आ रहे हैं, या फिर ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जिसे आप पूरी तरीके से यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। पूरी तरीके से मतलब उसका हर एक फीचर आपको समझ में आ रहा है, आप उसे यूज़ कर रहे हैं। सो ऐसे में चला जाता है आपका ढेर सारा टाइम, ढेर सारी एनर्जी, एज वेल एज़ आपके पीसी या फिर लैपटॉप पे बहुत सारा लोड भी आ जाता है जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहते। सो ऐसे में अगर आप चाहते हैं अपना टाइम, एनर्जी और अपना पीसी बच जाए तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के आखिरी तक आप एक बेहतर डिसीजन ले सकेंगे कि कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को मीट करेगा, एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो आपको देगा। सो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। Hi, I'm Aman and you are searching for some free screen recording application for your PC or laptop. So, इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कवर करने की कोशिश की है विद द मिनिमम टाइम। सो ऐसे में वीडियो को पूरा देखिएगा। बीच में वीडियो को छोड़ देना थोड़ा सा अजीब रहेगा क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे। सो सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगा। जब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे फ्री स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन तो आपको तीन तरीके के एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। पहले होंगे पेड एप्लीकेशन, सेकेंड इज फ्री एप्लीकेशन एंड द थर्ड इज क्रैक्ड एप्लीकेशन। सो पेड क्या होंगे? पेड एप्लीकेशन जिसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं। कुछ एप्लीकेशन की कीमत होती है 2000 से लेकर 21000 22000 रुपए तक, जो कि एज अ बिगनर कोई भी देना नहीं चाहेगा। उसी के हमें डेमो वर्जन भी मिल जाते हैं लेकिन उसमें हमें कहीं ना कहीं बहुत ही कम फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि 10 मिनट से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, वाटरमार्क देखने को मिलेगा, एज वेल एज कई सारे फीचर्स उसमें डिसेबल्ड होते हैं क्योंकि वो एक डेमो मोड होता है। सो ये हो गए पेड एप्लीकेशन। सेकेंड इज फ्री एप्लीकेशन, इसमें हमें कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है, कह सकते हैं ये पॉकेट फ्रेंडली एप्लीकेशन है। इसमें हमें सारे फीचर्स यूज़ करने को मिलेंगे, कोई भी वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा और ये इजी टू यूज़ भी है। इनका साइज भी थोड़ा सा छोटा होता है, हमारे पीसी के लिए अच्छा होता है। थर्ड इज क्रैक्ड एप्लीकेशन, ये वो एप्लीकेशन है जो कि पेड होते हैं लेकिन कुछ हैकर्स उन्हें क्रैक कर देते हैं और वो अनसिक्योर वेबसाइट पे हमें मिलते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अनसिक्योर्ड वेबसाइट पे जाके उन्हें डाउनलोड करें। वो कहीं ना कहीं इलीगल भी होता है इंटरनेट के फील्ड में। नाउ जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे थ्री फ्री स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन फॉर योर लैपटॉप एंड पीसी। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन, बिकॉज प्रेजेंटेशन इज द बेस्ट वे टू कवर अ लार्ज इन्फॉर्मेशन इन अ वेरी लिटिल टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर इज माई कंप्यूटर स्क्रीन एंड दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, द थ्री फ्री स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन फॉर अवर पीसी और लैपटॉप। सो नॉर्मली हम लोग वीडियो क्यों रिकॉर्ड करते हैं? हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम उसे किसी वीडियो प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकें, जैसे कि हो गया हमारा YouTube या फिर Facebook, या फिर हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ताकि अपने मैसेज को एक ही बार में कई लोगों तक पहुंचा सकें, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे हमारे फॉर्मल व्यूवर्स हों, जैसे कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। सो ऐसे में अगर हमारे पास ऑप्शन या फिर फीचर मिल जाए कि हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकें तो हमारा काम बहुत ही इजी हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हम लोग कंप्यूटर के अंदर डायग्राम्स के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू या फिर स्टेप्स के थ्रू अपने जो मटेरियल है उसको समझा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इम्पैक्टफुली हमारे व्यूवर्स को भी वो समझ में आएगा। सो ऐसे में स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमेशा ही यूज़फुल रहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नॉर्मली बेसिकली हम लोग इस वीडियो में तीन एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। नंबर वन इज ShareX, नंबर टू इज मोस्ट पॉपुलर OBS स्टूडियो एप्लीकेशन एंड नंबर थ्री इज Bandicam। सो ShareX जो एप्लीकेशन है उसका डाउनलोड साइज है 7.5 MB, जो कि काफ़ी लाइट वेट है, एक नॉर्मल से PC के साथ भी आसानी से चल जाएगा। बात करें OBS स्टूडियो की तो ये 90 MB का साइज है, थोड़ा सा हैवी है लेकिन फिर भी एक मीडियम बजट CPU के साथ आसानी से आप इसे हैंडल कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की, दैट इज Bandicam, दैट इज 21 MB ऑफ साइज एंड इट इज ऑल्सो अ मीडियम साइज, वी कैन से इट मीडियम साइज एप्लीकेशन, और एक नॉर्मल से CPU, एक लो बजट CPU के साथ आप इसे हैंडल कर सकते हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये तीनों ही एप्लीकेशन एक से बढ़कर एक हैं। सो ऐसे में इनके बारे में, इनके फीचर्स, इनके ऑप्शंस या फिर इनके रिजोल्यूशन, वीडियो आउटपुट के बारे में जान लेना ज़रूरी है
ताकि डाउनलोड करने के बाद हमें इसे अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे नंबर वन एप्लीकेशन दैट इज शेयर एक्स एप्लीकेशन के साथ। हेयर इज़ द फर्स्ट स्लाइड। शेयर एक्स स्क्रीन रिकॉर्डर काफ़ी अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर है। इसके मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। नंबर वन पॉइंट इज इट्स डाउनलोड साइज 7.5 MB, दैट इज अ लाइट वेट एप्लीकेशन, एक लो बजट सीपीयू के साथ भी आसानी से चल जाएगा। नंबर टू फीचर ये है, इसमें क्या क्या हमको फीचर मिल जाएंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग, हम लोग अपने पीसी की पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। हमें इसमें ऑप्शन मिलता है विंडो रिकॉर्डिंग का भी। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग और विंडो रिकॉर्डिंग में क्या फ़र्क है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग मीन्स पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड करना, और विंडो रिकॉर्डिंग मीन्स ये रही हमारा मॉनिटर। अब इसमें हम लोग एक विंडो ओपन करके इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग बैकग्राउंड में कई अदर ऐप्स भी खोल के यूज़ कर सकते हैं। सो ये है डिफरेंस स्क्रीन रिकॉर्डिंग और विंडो रिकॉर्डिंग में, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ शेयर एक्स स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज क्रिएट GIF। GIF क्या होता है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। सो GIF क्या होता है? मान लीजिए आपके पीसी पे एक वीडियो चल रही है, उसमें से आप 5 सेकेंड या 10 सेकेंड की एक क्लिप निकालना चाहते हैं, तो आप उसे इस ऑप्शन की हेल्प से आसानी से बना सकते हैं। इसका साइज बहुत ही छोटा होता है कंपेयर टू वीडियोस, नॉर्मल वीडियोस से इसका साइज बहुत ही छोटा होता है। नेक्स्ट इसमें हमें ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीन शॉट का, हम इसमें स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में हमें स्क्रीन शॉट का ऑप्शन नहीं मिलता है, जैसे कि OBS में हमें स्क्रीन शॉट ऑप्शन नहीं मिलता है। सो ये हैं इसके फीचर्स। इसी के साथ बात करें इसमें हमें कितना FPS देखने को मिलता है। FPS क्या है? FPS स्टैंड्स फॉर फ्रेम पर सेकेंड। सो FPS इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि FPS से ही आपके वीडियो की क्वालिटी डिपेंड करती है। ये जितना ज़्यादा होगा आपकी वीडियो उतनी ही स्मूथ होगी। अगर आप कम FPS सेलेक्ट करते हैं तो आपकी वीडियो उतनी ही लैग करेगी, मीन्स फ्रेम्स उसको इतने ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे कि एक स्मूथ वीडियो क्रिएट कर सके। सो इसमें हमें 60 FPS से लेकर 10 FPS तक देखने को मिल जाती है, जो कि एक नॉर्मल हमें चाहिए होती है। अब 60 FPS इसमें अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग एक स्मूथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए हमारा CPU स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है। CPU स्ट्रांग होगा तभी ये 60 FPS का पावर ले पाएगा, अदरवाइज हमको एक मिनिमम सेटिंग पे सेट करना होगा, दैट इज़ 30 FPS। अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, करंट वीडियो, ये 30 FPS पे रिकॉर्ड हुई है, काफ़ी स्मूथ है। और अगर मैं इसको 60 FPS पे सेट कर दूंगा तो ये लैग हो जाएगी, मीन्स मेरा CPU इतना लोड नहीं ले पाएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा अच्छा रैम, अच्छा ग्राफिक कार्ड, एज वेल एज प्रोसेसर ऑल्सो, मीन्स एक हाई बजट CPU चाहिए होगा आपको 60 FPS पे रिकॉर्डिंग करने के लिए। बात करें नंबर फोर पॉइंट की, दैट इज़ रिकॉर्डिंग क्वालिटी। हमें इसमें क्या रिजोल्यूशन देखने को मिलता है, कितने रिजोल्यूशन पे हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे मॉनिटर पे। अगर हमारा मॉनिटर छोटा है या फिर स्क्वायर शेप्ड है या फिर उसका शेप थोड़ा सा ऑड है, तो आप चाहकर भी उसे इस रिजोल्यूशन पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आपका एक पार्ट नॉर्मली रेक्टेंगुलर मॉनिटर है तभी आप इसको इस रिजोल्यूशन पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर डिपेंड करता है मींस कितना बड़ा मॉनिटर आपके पास है, क्योंकि रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास पिक्सल्स का होना भी ज़रूरी है। सो ये डिपेंड करता है आपके मॉनिटर पे। नॉर्मली इसमें हमें 4K, 2K या फिर HD वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दिस इज़ द होम स्क्रीन। होम स्क्रीन मीन्स जब आप इस एप्लीकेशन को खोलते हैं तो मेन पेज आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऑप्शन हमको यहाँ पे कैप्चर ऑप्शन पे मिल जाता है, हमें ज़्यादा कुछ ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देख सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है, आपको ज़्यादा यहाँ पे हॉच पॉच देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको हॉट कीज सेटिंग्स भी मिल जाती हैं, अपने हिसाब से आप शॉर्टकट कीज असाइन कर सकते हैं ताकि आपको ये ऐप बार बार ओपन या क्लोज करना ना पड़े। इसी के साथ साथ टास्क सेटिंग ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट फोल्डर है, अगर आप स्क्रीनशॉट लिए हैं तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से, एंड सो ऑन, कई सारे ऑप्शन हैं इसमें। और एंड एट द लास्ट जब आप
एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का एक टूल बॉक्स देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बॉक्स है। इस टूल बॉक्स में आपको कई सारे टूल्स मिल जाएंगे, जैसे कि पेंसिल, मैग्निफिकेशन, इरेजर और प्रिंट, सेव, क्लिपबोर्ड, ऐसे कई सारे ऑप्शन हैं इसमें, जिसे कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं वाइल रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के दौरान इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मान लीजिए हमें स्क्रीन पे लिखना ही हुआ तो हम लोग इस पेंसिल के हेल्प से आसानी से लिख सकते हैं, तो एक तरह से अच्छी वीडियो आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, दैट इज़ कैप्चरिंग ऑप्शन। इसमें हम लोग क्या क्या कैप्चर कर सकते हैं। इसमें हम फुल स्क्रीन, विंडो, मॉनिटर, एक पार्टिकुलर रीजन, मींस अगर हमारी ये मॉनिटर है इसमें अगर हम चाहते हैं इतना ही हिस्सा रिकॉर्ड हो तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रीजन ऑप्शन। इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, GIF रिकॉर्ड, स्क्रॉलिंग कैप्चर भी हमें इसमें ऑप्शन मिलता है। कुछ फ़ोन्स में आपने ये फीचर देखा होगा कि हम लोग स्क्रॉल भी करते रहें और उसका स्क्रीनशॉट भी मिलता रहे। सो ये ऑप्शन इस PC एप्लीकेशन में भी हमको मिल जाएगा। टेक्स्ट कैप्चर, मान लीजिए हमारे पास कोई फ़ोटो है उसमें से हम लोग टेक्स्ट निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। ऑटो कैप्चर, ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होगा। नेक्स्ट इज शो कर्सर, आप चाहते हैं कि आपका कर्सर दिखे या ना दिखे वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सो ये सारे ऑप्शन हैं हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, मीन्स चाहे तो फुल स्क्रीन कैप्चर करें, चाहे कोई एक पार्ट कैप्चर करें, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज शॉर्टकट प्रीसेट्स, मीन्स हमें क्या क्या शॉर्टकट ऑलरेडी इसमें मिल जाते हैं। सो नॉर्मली यहाँ पे दो शॉर्टकट्स ऐसे हैं जो कि वीडियो को रिकॉर्ड करने या फिर स्टॉप करने के लिए मिल जाते हैं। पहला है स्टार्ट या स्टॉप स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उसके लिए शिफ्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन बटन कहाँ पे है, आपके कीबोर्ड में डिलीट की के ऊपर प्रिंट स्क्रीन बटन मिल जाएगी। इसी के साथ साथ GIF, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन। और यहाँ पे तीन शॉर्टकट्स ऐसे हैं जिनसे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए कैप्चर रीजन, कोई एक पार्टिकुलर एरिया आपको फोटो लेनी है, देन कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन। पूरी स्क्रीन कैप्चर करनी है तो प्रिंट स्क्रीन बटन ओनली, एंड कैप्चर एक्टिव विंडो, एक्टिव विंडो की एक पिक्चर लेनी है तो ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन। तो ये सारे फीचर्स भी हमको इसमें ShareX एप्लीकेशन मिल जाते हैं जो कि OBS या फिर Bandicam में नहीं मिलते हैं। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपका इंटरेस्ट बन रहा है इस वीडियो में, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि थोड़ी सी रिसर्च लगती है, थोड़ी सी मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में। सो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और इसी के साथ साथ अगर आप इस तरह की वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ज़रूरी ज़रूरी वीडियोस बनाता हूं जो कि नए यूट्यूबर्स, नए वीडियो मेकर्स को काफ़ी हेल्प करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर, दैट इज़ OBS स्टूडियो। दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन, लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग इसे यूज़ करते हैं। देखते हैं इसमें हमें क्या क्या ऑप्शन, क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। नंबर वन बात करें इसके डाउनलोड साइज़ की, दैट इज़ हैवी साइज, 90 MB, लेकिन एक नॉर्मल बजट, मीन्स मीडियम बजट CPU के साथ आप इसे हैंडल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। नॉर्मल अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो मैंने OBS स्टूडियो एप्लीकेशन से ही रिकॉर्ड की है। बात करें नंबर टू इसके फीचर्स की, तो इसमें हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। हम चाहें तो पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर एक छोटा सा हिस्सा भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग क्या है, हम चाहें तो लाइव जा सकते हैं YouTube पे, चाहें तो Twitch पे या फिर Facebook, जहां कहीं भी लाइव स्ट्रीमिंग होती है हम हर उस एप्लीकेशन में लाइव जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस OBS स्टूडियो एप्लीकेशन। So this is the one of the most popular feature of this application. Simple interface, इसका जो interface है, इसकी जो screen है बहुत ही simple है। इसमें हमें एक छोटी सी screen देखने को मिल जाएगी, चार option मिल जाएंगे और समझने में बहुत ही आसान है। The next feature is my favorite, chroma key for webcam. So ये क्या है, जब आप webcam use कर रहे हैं, means
स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ आप अपना फेस भी उसमें दिखा रहे हैं, तो कुछ इस तरह की आपकी एक वीडियो बनेगी लोअर राइट कॉर्नर में या फिर अपर राइट कॉर्नर में, तो आप उसमें से बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से विद द हेल्प ऑफ क्रोमा की ऑप्शन इन OBS स्टूडियो एप्लीकेशन। सो ये भी ऑप्शन है इसमें। बात करें नंबर 3 पॉइंट की, तो इसमें FPS हमें क्या क्या मिल जाते हैं, मैक्सिमम है 60 एंड लीस्ट इज 10। सो एक सही रेंज है FPS की, लेकिन ये भी हमेशा डिपेंड करता है आपके CPU पे। तो आपके पास एक हाई CPU होना चाहिए ताकि आप 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकें, अदरवाइज आप 30 FPS मिनिमम यूज़ करें ताकि आपको एक स्मूथ रिकॉर्डिंग देखने को मिले। सो अगर आपके पास अच्छा CPU है या फिर लो बजट CPU भी है, तो भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बात करें नंबर 4 पॉइंट की, तो इसमें हमें क्या क्या रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा, डिपेंड्स ऑन मॉनिटर एज वेल एज CPU। CPU में अच्छा ग्राफिक कार्ड, रैम एज वेल एज प्रोसेसर होना चाहिए ताकि रिकॉर्डिंग अच्छी हो। नॉर्मली इसमें हमें 1920x1080 pixel, जो कि YouTube की हाईएस्ट क्वालिटी है, वो रिकॉर्ड कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट बात करें इसकी होम स्क्रीन की, ये रही होम स्क्रीन, मीन्स जब हम इस एप्लीकेशन को पहली बार खोलेंगे तो मेन पेज हमें कुछ इस तरह का दिखेगा। ये रहा इसका रिकॉर्डिंग प्रीव्यू, जो कुछ भी रिकॉर्ड होगा हमें इस ब्लैक स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे हम लोग सीन ऐड कर सकते हैं। सीन क्या है, हम लोग बेसिकली कई सारे सीन के साथ अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, हर सीन में हम लोग अलग अलग सोर्सेस डाल सकते हैं। सो जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट इज सोर्स, मीन्स हमें क्या क्या इसमें रिकॉर्ड करना है, हमें यहाँ पे ऐड करना होगा, दिस इज द प्लस बटन, हमें सब कुछ ऐड करना होगा, चाहे वो वेबकैम हो, इसमें हमें ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी डिस्प्ले, कि हम डिस्प्ले कैप्चर करना चाहते हैं या विंडो कैप्चर करना चाहते हैं, तो सब कुछ जो भी हमें रिकॉर्ड करना है वो हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। माइक भी यहीं पे हमें ऐड करना होता है। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, ये यहाँ पे हमें अपने सारे माइक मीन्स सारे ऑडियो डिवाइसेस की जानकारी मिलेगी, सारे काम कर रहे हैं या नहीं, कौन सा माइक एक्टिव है इस टाइम या फिर कौन सा नहीं है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रांजिशन, सीन ट्रांजिशन मीन्स ये जो सीन, कई सारे सीन के साथ जब हम लोग काम करते हैं तो ट्रांजिशन हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इन द लास्ट वी हैव हियर कंट्रोल्स, इसके बारे में मैं अगली स्लाइड में बात करूँगा, दीज आर कंट्रोल्स। तो एक बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है, अगर कुछ रिकॉर्ड करना है तो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, दो चार सीन्स चाहिए, मीन्स अलग अलग सोर्सेज के साथ हम अगर वीडियो बनाना चाहते हैं तो सीन ऐड करना पड़ेगा, माइक्स हमें यहाँ दिखेंगे, ट्रांजिशन यहाँ पे एंड कंट्रोल्स यहाँ पे। ये रहे हमारे कैप्चरिंग ऑप्शन, मीन्स हम क्या क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम लोग, हमें यहाँ पे सब कुछ ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ऑडियो इनपुट कैप्चर, माइक ऐड करना पड़ेगा हमें यहाँ से, बेसिकली डिस्प्ले कैप्चर यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, या फिर हम लोग विंडो कैप्चर भी कर सकते हैं। सो सब कुछ हमें सबसे पहले यहाँ पे ऐड करना होगा, तभी हम लोग अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट्स फॉर कैप्चरिंग, मीन्स क्या क्या शॉर्टकट्स हमको मिल जाते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है इस OBS एप्लीकेशन का, कि हम लोग अपने हिसाब से शॉर्टकट्स असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए लेफ्ट एरो की, रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए डाउन एरो की का यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से किसी भी टास्क के लिए कोई भी शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल्स, जो कि मैंने बताया था, कंट्रोल्स में ये रहा सेटिंग का ऑप्शन, सेटिंग का ही ये डायलॉग बॉक्स है, जनरल सेटिंग है, स्ट्रीम सेटिंग है, आउटपुट सेटिंग है, वीडियो सेटिंग में आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिजोल्यूशन एंड FPS सेट करने का। ओके, यहाँ पे कंट्रोल्स में बात की जाए तो यहाँ पे स्टार्ट स्ट्रीमिंग यहीं से कर सकते हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, वर्चुअल कैमरा, स्टूडियो मोड, ये सारे ऑप्शन हमको इसमें मिल जाएंगे। तो एक तरह से काफ़ी सारे फीचर्स हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे OBS एप्लीकेशन के। तो हम लोग इसमें एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो एक नॉर्मल से CPU के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे थर्ड स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन की, दैट इज़ Bandicam। ये उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन हमारा काम बहुत ही अच्छे से कर सकता है, ये बहुत ही इजी है इसको यूज़ करना और बहुत ही सिंपल इंटरफेस भी है। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। नंबर 1, इसका डाउनलोडिंग साइज़ है 21 MB, मीन्स एक मीडियम साइज़ है,
और एक नॉर्मल से लो बजट पीसी के साथ भी आप इसे आराम से हैंडल कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें नंबर टू, इसमें हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है जो कि मेन टॉपिक है इस वीडियो का। नेक्स्ट शेड्यूल्ड रिकॉर्डिंग, हम चाहें तो इसमें सेट कर सकते हैं कि वीडियो स्टार्ट हो जाए 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, तो हम इसमें शेड्यूल भी कर सकते हैं। क्रोमा की ये ऑप्शन भी हमें इसमें मिलेगा। क्रोमा की क्या होता है, हम लोग इसमें वेबकैम ऐड कर सकते हैं, वेबकैम के साथ साथ हम अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं वेबकैम की वीडियो में। सो कई सारे गेमर्स इसको यूज़ करते हैं, तो ये ऑप्शन हमें इस बैंडीकैम एप्लीकेशन में मिल जाता है। इमेज कैप्चर, इट मीन्स हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो OBS में ये ऑप्शन नहीं था स्क्रीनशॉट का, एंड बैंडीकैम शेयर एक्स एप्लीकेशन में हमें स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाता है। नॉर्मली आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैसे, बस अपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन जो बटन है उसे प्रेस करिए और फिर पेंट पे जाके, पेंट एप्लीकेशन आप जानते हैं, पेंट पे जाके पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट या फिर Ctrl+V, तो आपका स्क्रीनशॉट वहाँ पे अपने आप आ जाएगा। सो इसके लिए कोई अदर एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रिंट स्क्रीन बटन दबाइए एंड देन किसी भी एप्लीकेशन जैसे कि MS PowerPoint, MS Word, पेंट, कहीं भी जाके पेस्ट कर दीजिए तो आपका वो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। सो इतने सारे ऑप्शन हमको बैंडीकैम एप्लीकेशन में मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करें नंबर 3, FPS अवेलेबल, मैक्स है 60 एंड लीस्ट इज 10। तो जो कि सब में था वो इसमें भी है, और ये भी डिपेंड करता है आपके CPU पे, तो इसको और डिस्कस नहीं करना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट, रिकॉर्डिंग क्वालिटी, इसमें हमें क्या रिजोल्यूशन, क्या क्वालिटी देखने को मिलती है, डिपेंड्स ऑन मॉनिटर। नॉर्मली हमको 1080 पिक्सल की रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है जो कि यूट्यूब पे हाईएस्ट क्वालिटी होती है नॉर्मली। वैसे तो 4K वीडियो भी 8K वीडियो तक हमको मिल सकती है यूट्यूब पे, लेकिन नॉर्मली हमें 1080 पिक्सल तक वीडियो देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज होम स्क्रीन, इसकी होम स्क्रीन इस तरह की दिखती है, जब आप इस एप्लीकेशन को खोलेंगे तो इस तरह की होम स्क्रीन देखने को मिलेगी। ये रहा रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग को पॉज कर सकते हैं, एज वेल एज यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग का साइज भी देख सकते हैं। यहाँ से आप वेबकैम ऐड कर सकते हैं, माइक्रोफोन ऐड करने का ऑप्शन, सब कुछ आपको होम स्क्रीन पे ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे होम बटन जो है ऑलरेडी एक्टिव है, मीन्स इसे आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, और होम बटन पे ही आपके पास एक एरिया सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, मीन्स कितने एरिया की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं आप, या फिर फुल स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। अपने माउस कर्सर के आसपास आपको एक रेक्टेंगल देखना है या नहीं, सो आप अपने अगर माउस को हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप चाहें तो गेम रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पे। सो मोस्ट ऑफ दी ऑप्शन हमको यहाँ पे होम स्क्रीन पे ही देखने को मिल गए। बहुत ही सुलझा हुआ ऐप है, आपको कुछ भी यहाँ पे हाई टेक या फिर बहुत ही हॉच पॉच यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। सो ये है कुछ बेसिक फीचर्स। नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो वीडियो टैब है, वीडियो के अंदर हमें मिल जाएंगे शॉर्टकट की। यहाँ पे प्रीसेट्स हैं, मीन्स F12 से हम लोग स्टार्ट या फिर स्टॉप कर सकते हैं रिकॉर्डिंग को, Shift+F12 से हम लोग पॉज कर सकते हैं रिकॉर्डिंग को, माउस का जो कर्सर है उसे इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं, माउस क्लिक का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज वेबकैम को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ नीचे वीडियो की क्वालिटी हम लोग सेट कर सकते हैं, और एज वेल एज फॉर्मेट, यहाँ पे AVI फॉर्मेट ऑलरेडी इनेबल्ड है, आप चाहें तो इसे MP4 या फिर किसी अदर फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं। ऑडियो की क्वालिटी भी यहीं से चेंज होगी, और कहीं भी आपको स्पेशली इसमें बहुत ही कम ही फीचर्स हैं तो ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं होगी, सब कुछ ऑप्शन आपके सामने मिल जाएंगे। और एंड द लास्ट, जब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे तो आपको ये टूल बॉक्स मिलेगा, पेंसिल, हाइलाइटर, कर्सर, सिलेक्ट एरिया, टेक्स्ट इरेजर, ट्रांसपेरेंसी, तो ये सारे ऑप्शन आपको रिकॉर्डिंग के दौरान मिल जाएंगे जो कि आपकी बहुत सारी हेल्प करेंगे। मीन्स अगर आप रिकॉर्डिंग के साथ साथ कुछ ड्रॉ भी करना चाहते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये थे सारे पॉइंट्स, मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। अब मुझे लग रहा है कि आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे कौन सा रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन आपके लिए बेहतर होगा, और कौन सा एप्लीकेशन आपको समझ में आएगा, कौन सा अच्छी क्वालिटी देगा। सो यू कैन गो नाउ, मीन्स यू कैन गो टू डाउनलोड, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात,
इन सारे एप्लीकेशन की, जो भी तीनों एप्लीकेशन मैंने इसमें यूज़ की हैं, इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। एट लास्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इस तरह की वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप उनका फ़ायदा उठाते रहें। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।